कमान में खा दियो। अम्मा हाँ, इधर आओ। हम तुमका सामान दिखावा जा रहे हैं। आ रहे तो कहाँ गए अम्मा? दूसरे में सामान लाओ हमारे यहाँ। सिपाही, इसका मतलब शिवराम सिपाही हमारे राज्य में इतना कड़ा शासन होने के बावजूद तूने चोरी की और एक देश का रक्षक होकर तू ही भक्षक बन गया। शिवराम सिपाही, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि उदय सिंह के राज दरबार में इंसाफ होता है, इसलिए माफी नाम का शब्द हमारे सामने मत पेश करो। महाराज ऐसा मत कहो, महाराज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ और आपके पैर पड़ता हूँ। राजन मुझे क्षमा खामोश, तूने ये कर्म करने से पहले क्यों नहीं सोचा? सेनापति जय सिंह कहो महाराज, इस सामान के बावजूद बरामद होने से यह साबित होता है कि शिवराम सिपाही ने यह गुनाह किया है, इसलिए जाओ इसे हमारे नजरों के सामने से ले जाओ और इसके दोनों हाथ काट कर हमारे बिजनौर बॉर्डर के बाहर निकाल दो, ताकि आने वाले भविष्य में हमारे बिजनौर में ऐसा करने की कोई हिम्मत न कर सके। नहीं महाराज, एक छोटी सी भूल की इतनी बड़ा सजा मत दो, इतनी बड़ी सजा मत दो राजन, इतनी बड़ी इसे हमारे नजरों के सामने से ले जाओ। आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि कभी दोबारा कोई शख्स बिजनौर राज्य में ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा। द्वारपाल, बूढ़ी माँ को हिफाजत के साथ ही इनके घर तक पहुंचाया जाए। बूढ़ी माँ घबराओ नहीं, उठो जाओ। अगर तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट होता है, अगर कोई तुम्हें सताता है, तो तुम हमारे राज दरबार आना, हम तुम्हारी फरियाद अवश्य सुनेंगे। बिजनौर सरहद के बाहर छोड़ दिया। बहुत खूब जय सिंह, अब शीघ्र ही अपनी तैयारी बनाए और जाकर बिजनौर बॉर्डर पे तैनात हो जाएं। महाराज काफी दिनों के बाद मैं सीमा सरहद से राज दरबार आया हूँ, इसलिए आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। महाराज अवश्य कहिए, क्या कहना चाहते हैं? महाराज हमारी हार्दिक इच्छा है कि आज मैं आपसे दो दिन का अवकाश लेना चाहता। सेनापति जय सिंह, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि पराए मुल्क के आतंकवादी हमारे इस बिजनौर पे अपनी निगाहें गड़ाए हुए हैं, उन्हें तलाश है तो मौके की,
इसलिए हम तुम्हें दो दिन का अवकाश नहीं दे सकते हैं। हम तुम्हारे दिल की भावनाओं को समझते हैं, इसलिए जाओ, हम तुम्हें दो घंटे का अवकाश देते हैं, दो घंटे में अपने बीवी बच्चों से मिलकर शीघ्र सीमा सरहद पे चले जाना। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। काश काश मुझे दो घंटे का अवकाश दिया जाता है तो मैं अपने बंगले पर जाऊंगा और अपने बीवी बच्चों से मिलकर सीमा सरहद पर चला जाऊंगा। हुजूर, क्या बात है द्वारपाल? राजन, आपका इकलौता चिराग राजकुमार दीपक रात दरबार आना चाहता है। क्या हमारा लाडला दरबार आना चाहता है? हाँ राजन, क्या क्या है और क्या आदेश है हमारे? जाओ, हमारा आदेश है उन्हें अपने साथ लेकर आओ। जो खुश रहो, ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। पिताजी, अगर आपकी इजाजत हो, आपकी रजा हो तो मैं आपसे कुछ बोलो। बोलो, क्या कहना चाहते हैं? आर जो छोटे पिताजी, आर जो छोटे पिताजी, लाल के सुन आज मैं शिकार खेलने जाना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो, आपकी रजा हो। शिकार खेलना हम राजपूतों का बहुत पुराना शौक है बेटे, इसलिए हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन एक बात अवश्य कहेंगे। बेटे जाओ शिकार खेलो, लेकिन सूर अस्त होने से पहले राजमहल वापस आ जाना। पिताजी, मैं वादा करता हूं कि सूर अस्त होने से पहले अपने इस राजमहल वापस आ जाना।